दोस्तों ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये हम लोग अपने लाइफ में कभी कभी पिया होगा। जनरल बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर ये पीने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये ओआरएस जो है ये 20th century का सबसे जरूरी मेडिकल इन्वेंशन था, बल्कि यही नहीं, ये कोई नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसका इन्वेंशन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान हुआ था। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। That's not craftsman. That is the worst possible type of war. It's the worst possible type of violence. दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये बांग्लादेश लिबरेशन वार में ये ओआरएस कहाँ से आ गया। दोस्तों कहानी बदलने से पहले उसका प्लॉट समझना बहुत जरूरी है। साल था 1971, ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक नया कंट्री का मांग कर रहा था, जो आज के तारीख में हम लोग बांग्लादेश के नाम पे जानते थे। बॉर्डर में टेंशन का माहौल था, इसी दौरान बांग्लादेश से करोड़ों रिफ्यूजी इंडिया में आने लग गया। दोस्तों ये लोग आके अलग अलग कैंप में रहने लग गया। ऐसा ये कैंप था बनगांव में। दोस्तों ये कैंप के अंदर एनवायरनमेंट हाइजेनिक नहीं था, पीने का साफ पानी नहीं था, अंदर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अनहाइजेनिक था। तो ऐसे ही सिचुएशन में इतना सारा रोक उठाने लग गया और एक बड़ा लेवल में, एक मास्ट लेवल में पूरा कैंप में कॉलेरा फैल गया। और ऐसे ही सिचुएशन में एंट्री हुआ हमारा कहानी का हीरो मिस्टर दिलीप महादानवीस। जब कॉलेरा होता है बॉडी में बहुत हाई लेवल में डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है, और डिहाइड्रेशन इस लेवल में आ जाता है आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो सारा वॉमिटिंग के थ्रू में बाहर आ जाते हैं। आज के तारीख में जनरली हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं और बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो सेलाइन के थ्रू में पानी अंदर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस टाइम हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उतना एक्सपर्टिस नहीं था, ना उतना पैसा था। डॉक्टर महाराणा के सामने उसका टीम एक सिंपल सॉल्यूशन की तलाश कर रहे थे, जो इकोनॉमिक हो, जो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो और जो मास लेवल में अप्लाई कर सके। दे हैव कम विद द आइडिया कॉल्ड ओआरएस, एक सिंपल पानी का सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट डालो और शुगर डालो और कोई भी कॉलेरा पेशेंट को पिला दो तो उनकी बॉडी का डिहाइड्रेशन लेवल काफ़ी कंट्रोल में हो जाता है। दोस्तों आइडिया इतना सिंपल था और इतना डायनामिक था, उस टाइम जो मॉर्टेलिटी रेट चल रहा था 30-50%, वो ड्रॉप होकर हो गया 1%। इंडियन गवर्नमेंट भी उस टाइम उसको काफ़ी रिकॉग्नाइज किया और ये वायरस को एक बड़े लेवल पे अलग अलग कैंप पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो उस टाइम में बहुत सक्सेसफुल रहा। बेहतर फॉर्मूले वाला WHO ORS 10 और उल्टी से दे जल्द आराम, खाने पीने के साथ लगातार इसे भी पिलाते रहे। एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोल कर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो। उसके पास WHO ने ये ORS को फॉर्मूला पे एक्सेप्ट किया और वो लोग 105 कंट्री में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद डॉक्टर महाराणा भी इसको 2002 में पॉलिंग प्राइज से सम्मानित किया जाता, जो मेडिकल फील्ड का नोबेल प्राइज माना जाता है, और 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये था डॉक्टर महाराणा भी इसकी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।